बात है क्योंकि लगातार रीट की परीक्षा को लेकर गहमा गहमी का माहौल, एक तरफ जहां सरकार तमाम बंदोबस्त करने में जुटी है तो वहीं अभ्यर्थी भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर चुके हैं और अब अलग अलग जगहों पर अपने सेंटर्स के लिए रवाना होने का सिलसिला उनका शुरू हो गया है। तो रीट को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत ने कल कई अहम दिशा निर्देश जारी किए। रोडवेज के साथ प्राइवेट बसों में भी अभ्यर्थियों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। इसके लिए प्राइवेट बसों का अधिग्रहण किया जा रहा है। सरकार ने रोडवेज परिवहन सेवा उपलब्ध कराने वाले संस्थान पर एस्मा लागू कर दिया है। मुख्य सचिव की सहमति के बाद गृह विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं सीएम ने नकल की रोकथाम को लेकर साफ कहा है कि सरकारी सेवा से जुड़ा कोई भी व्यक्ति नकल या गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होता है तो उसे सीधा बर्खास्त किया जाएगा। नकल या गैर कानूनी गतिविधियों में अगर कोई संस्थान शामिल पाया जाता है तो उसकी मान्यता सीधे रद्द कर दी जाएगी। सीएम ने परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे की मदद से निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। प्रिंटिंग प्रेस से एग्जाम सेंटर तक पेपर के परिवहन की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। पेपर परिवहन से जुड़ा कोई भी व्यक्ति मोबाइल फोन नहीं रख सकेगा। पेपर देने आने वाले अभ्यर्थियों को एग्जाम सेंटर पर मास्क दिए जाएंगे। कोई भी अभ्यर्थी अपने साथ लाया मास्क एग्जाम सेंटर में अंदर नहीं ले जा सकेगा। रीट प्रक्रिया पर इंटेलिजेंस की भी कड़ी नजर रहेगी। नकल या प्रक्रिया बाधित करने वाले संदिग्ध लोगों को तुरंत हिरासत में लिया जा सकेगा। ट्रैफिक और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। तो पूरी तैयारी सरकार की तरफ से कर दी गई है। इम्प्लीमेंटेशन का काम लगातार जारी है और 26 तारीख को परीक्षा का आयोजन है, लेकिन आज से ही बस स्टैंड्स और रेलवे स्टेशन पर जो अभ्यर्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, उनकी भीड़ देखने को मिल रही है और वो जो है अब परीक्षा केंद्रों की तरफ रवाना होने लगे। चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं शिक्षा